सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने ऑनलाइन शैक्षिक मोबाइल गेम्स की श्रृंखला आजादी क्वेस्ट की शुरुआत की है। 24 अगस्त को केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने इसका शुभारंभ किया। आज देहरादून में आयोजित पत्रकार वार्ता में प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो यानी पीआईबी के उप निदेशक रोहित त्रिपाठी ने बताया कि इन मोबाइल गेम्स का मकसद मनोरंजन और शिक्षा को जोड़ना है। इन गेम्स के जरिए युवा पीढ़ी स्वाधीनता संग्राम से परिचित होगी। भारत सरकार के विभिन्न विभागों ने देश के कोने कोने से गुमनाम स्वतंत्रता सेनानियों के बारे में जानकारी एकत्रित की है। आजादी क्वेस्ट इन जानकारियों से मिलने वाली सीख को आकर्षक और संवादात्मक बनाने का एक प्रयास है। प्रसारण मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया है आजादी क्वेस्ट। ये एक सीरीज ऑफ ऑनलाइन गेम्स हैं, जिसके जरिए हम लोगों का प्रयास ये है कि एंटरटेनमेंट और एजुकेशन को कंबाइन किया जाए और हमारी जो युवा पीढ़ी है जिसका अटेंशन ऑनलाइन गेम्स की तरफ काफ़ी बढ़ चुका है पिछले काफ़ी सालों में, उनको हमारे जो फ्रीडम स्ट्रगल है जो 1857 से 1947 तक का ये पीरियड कवर करते हैं दोनों गेम्स, उस फ्रीडम स्ट्रगल से दोबारा से उनको परिचित कराया जाए, ये इसका उद्देश्य है। इन ऐप में शामिल की गई जानकारियां प्रकाशन विभाग और भारतीय इतिहास अनुसंधान परिषद ने संकलित की हैं। इन गेम्स को मोबाइल पर आसानी से डाउनलोड किया जा सकता है। एंड्रॉइड प्लेटफॉर्म पे ऐप स्टोर पे अवेलेबल हैं। आप ऐप स्टोर पर जाकर आजादी क्वेस्ट अगर टाइप करेंगे तो आपको दोनों गेम्स मिल जाएंगे। आप वो ऐप स्टोर चाहे iOS प्लेटफॉर्म पे हो चाहे एंड्रॉइड गेम प्लेटफॉर्म पे हो, वो दोनों पे मिलेंगे। प्रेस कॉन्फ्रेंस में पीआईबी के अपर महानिदेशक विजय कुमार, डीडी न्यूज के संयुक्त निदेशक राघवेश पांडे और केंद्रीय संचार ब्यूरो की सहायक निदेशक डॉ संतोष आशीष भी मौजूद रहे।